मंगलवार की देर रात राजस्थान में मिला अनिल ओझा। अब खुद अनिल बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ। इन सवालों के जवाब अभी आना बाकी। खबर श्योपुर के कराहल थाना अंतर्गत क्षेत्र से है, जहां बीते 10 दिनों से लापता अनिल ओझा का पता अब पुलिस को लग चुका है। कराहल थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार की देर रात राजस्थान पुलिस से सूचना प्राप्त हुई कि जिस लापता युवक अनिल ओझा को श्योपुर की पुलिस ढूंढ रही है, वह राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ से 55 किलोमीटर दूर मंगलवार थाने में पुलिस ने अनिल ओझा के ऊपर धारा 151 में FIR भी दर्ज कर उसे थाने में बैठा रक्षा की है, जिस पर पुलिस ने वहां से उस अनिल के फोटो भेजो, घर वालों से बात करवाई, तब पुष्टि हो सकी कि वहां जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ रखा है वह कराहल निवासी अनिल ओझा ही है। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए हुए अनिल ओझा को दस्तयाब करने के लिए परिजनों के साथ लेकर एक गाड़ी कराहल से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना कर दी। वहीं लगातार अखबारों और सोशल मीडिया में खबरें चलने से मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था। पुलिस कप्तान ने भी पुलिस टीम बनाकर इस मामले में लगा रखा था। यही नहीं, प्रदेश सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत अपने काफिले के साथ परिजनों से मिलने कराहल पहुंचे थे और रामनिवास रावत ने पत्रकारों से चर्चा कर बताया था कि वे मुख्यमंत्री मोहन यादव तक इस मामले को लेकर विशेष चर्चा करेंगे। अनिल का इस तरह अचानक गायब हो जाना जहां एक और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस को सटीक जानकारी न मिलने से पुलिस केवल व्यापार से जुड़े लोगों से पूछताछ करने और शहर के CCTV कैमरे खंगालने में लगी हुई थी। अनिल के मिल जाने की खबर पर परिजनों ने सभी पुलिस स्टाफ और नगरवासियों का धन्यवाद अर्पित किया, मगर अब सभी लोगों के मन में सवाल भी है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा जो अनिल ओझा को इस तरह राजस्थान में रहकर समय गुजारना पड़ा। वहीं राजस्थान पुलिस की कस्टडी में आने के बाद इस मामले में नया मोड़ आया। घटनाक्रम के 9 दिनों के अंतराल में आमजन के बीच अनिल ओझा के गुमशुदा होने के ऐसे तमाम सारे तथ्य सामने आते रहे हैं कि कहीं अनिल व्यापार में कर्जा होने की वजह से तो कहीं चला नहीं गया, या व्यापार में अनिल के किसी दुश्मन ने तो अनिल के साथ कुछ कर नहीं दिया, या अनिल किसी गृह कलेश से दुखी होकर तो घर छोड़कर कहीं चला गया। ऐसे तमाम सारे सवालों पर पुलिस काम कर रही थी कि पुलिस अनिल ओझा की वर्षों पुरानी मानसिक बीमारी वाले एंगल पर भी जानकारी जुटा रही थी कि कहीं फिर से तो अनिल उसी बीमारी की चपेट में नहीं आ गया। मगर इस बीच एक सुकून भरी खबर आ गई कि अनिल राजस्थान में मिल चुका है। तब जाकर सभी ने चैन की सांस ली, मगर अभी जानना भी बहुत जरूरी है कि अनिल के चले जाने की आखिरकार मुख्य वजह क्या रही। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस अनिल से पूछताछ करने के बाद देने की बात कह रही है। थाना प्रभारी का ये भी कहना है कि अनिल से पूछताछ करने पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अनिल को लेकर आज बुधवार को देर शाम या रात तक श्योपुर पहुंचेगी पुलिस, जिसके बाद हकीकत सबने सामने आएगी। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे गाँव वाले, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी पत्रकार, मीडिया प्रभारी, सभी मीडिया प्रभारी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबकी दुआ कामयाब जी। ये समझ लो कि ये गांव वालों का अखंड सहयोग रहा है और मेरी तरफ से, हम परिवार की तरफ से सभी ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो अनिल ओझा जो 9-10 दिन से सर गुमशुदा था, कैसे क्या शिनाख्त हुई सर, कैसे मामले का खुलासा हुआ? ये 15 तारीख को गया था और 16 तारीख की इसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में हुई थी, क्योंकि हमारे थाना क्षेत्र का था और वरिष्ठ अधिकारियों का इसके अंदर विशेष हिदायत दी गई थी, तो कराहल थाना भी इसके अंदर पूरी तरह से अपनी कार्रवाई में, जांच में लगा हुआ था। तो अभी थोड़ी देर पहले इसका जो है चित्तौड़गढ़ से आगे उदयपुर रोड पर मंगलवाड़ थाना है, उसका ड्राइवर का फ़ोन आया, फिर जो है उसकी तस्दीक की गई, उसने फ़ोटो वोटो डाले, घर वालों से बातचीत कराई, कंफर्म होने के बाद में गाड़ी निकाल रहे हैं, संभवतः सुबह या दोपहर तक ये वापस आ जाए। इस तरह सर अचानक अनिल का चला जाना सर किस ओर इशारा करता है, क्या मामला रहा होगा सर? अभी इस संबंध में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, उनके आने पर, पूछने पर ही इसका बता पाएंगे कि ये क्या वजह थी, ये किस कारण गए थे। तो आने के बाद पूछताछ की गई सर? हाँ बिल्कुल, पूछताछ की गई थी कि ये कैसे गए हैं या कोई इनको ले गया है, जिस तरह की कंडीशन होगी उस तरह की कार्रवाई की जाएगी।